मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर बने रहना, जागे जागे रहना, अपनी खोज, अपनी तलाश, अपने अंधेरे दूर करने के लिए तुम जागे रहना, तुम थर्ड आई से कनेक्टेड रहना, तुम अपनी सुरती जगमगाना। जो जो फीड किया है वो सब समक्ष आएगा, सामने आएगा। आप तनिक मात्र भी उदास नहीं, निराश नहीं होना। वो सब देखने लायक है जो जो हमसे होता है। अपनी ही करनी को देखना गजब है, ये चमत्कार है। रात दिन जो हम स्वयं करते हैं वो सारी की सारी फिल्म तेरे चित्रूपी कंप्यूटर से निर्मित होकर की तुम्हारे समक्ष माइंड द्वारा प्रोजेक्ट होती है। ये प्रोजेक्शन तुम स्वयं देखना, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। भीतर का टीवी, भीतर का टेलीविजन, जो जो भी प्रोजेक्शन उतरती है, जो जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको जाके जाके देखते रहना। सब तेरा अपना कचरा, अपना एकमात्र कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलता हुआ माइंड तेरी मेडिटेशन को तोड़ता चला जाता है, तेरी वर्तमान के पलों को खंडित करता चला जाता है। परंतु तुम परवाह ना करना, बड़े मुदित भाव से जागे जागे मन का भय, मन की घबराहट देखते रहना। तुम जागे जागे उसकी रेस्टलेसनेस को देखते रहना, उसकी बेचैनी को देखते रहना। तुम बेचैन नहीं होते, माइंड होता है। जो जो उसे अच्छा नहीं लगता उससे बेचैन हो जाता है, बाकी सब उसको अच्छा लगता है। पूजा पाठ, सिमरन, जाप, हवन, यज, जो जो भी तुम तीर्थ गमन करते हो वो सब माइंड को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम माइंड की इच्छा को पूरी करने में ही लगे हो। मन अच्छी तरह से सुखी, बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे कामकाज में किसी प्रकार का भी इंटरफियर नहीं करता, कोई इंटरफियरेंस नहीं उसकी ओर से, राजी है। तुम कर रहा हो किसके लिए? अपनी खोज तलाश के लिए, अपनी प्यास को बढ़ावा देने के लिए, अपने प्रभु को पाने के लिए, अपने विराट को जानने के लिए? नहीं, तुम मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हो। उसमें मन राजी है, आप उसी का काम कर रहे हो, आप उसी का कार्य कर रहे हो। वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। हालांकि वहां भी तुम्हारा साथ नहीं देता, परंतु वो ज्यादा दखल अंदाजी भी नहीं करता। बार बार करते रहिए और उसकी इच्छा पूर्ति में लगे रहिए। मन को और भी अधिक अपना मालिक बनाने में लगे रहिए, उसमें वो खुश रहता है। क्या गजब की सुपर साइंस है यहाँ, सब उल्टा पुल्टा है। तुम करते प्रभु भजन, प्रभु भक्ति, तुम इतने इतनी कथाओं में जाते, इतना इतना धर्म कर्म करते, किंतु कभी जाना नहीं किसके लिए करते। उसको चाहते हो या उससे चाहते हो? अगर उससे चाहते हो तो तुम माइंड के गुलाम, माइंड के साथ टोटली आइडेंटिफाइड हो, माइंड राजी। किंतु अगर तुम प्रभु की, अपनी स्वयं आत्मा की पहचान के लिए करते हो, अपने अस्तित्व में जगमगाना चाहते हो, तुम आत्मनिर्भर होना चाहते हो, तुम स्वयं एनलाइटेंड होकर के जीना चाहते हो, तुम प्रकाशमान स्थिति चाहते हो, तुम अपनी मालकियत चाहते हो, माइंड तनिक मात्र भी टॉलरेट नहीं करेगा। दुश्मन बन के आएगा, राक्षस बन के आएगा, वो प्रतिक्रियावादी होकर के आएगा, वो पूरी पूरी पास्ट और फ्यूचर की दुनिया को तेरे सामने खड़ा कर देगा, वो सारी कौरवों की सेना तेरे सामने खड़ी कर देगा। किंतु तुम अपनी होश, अपना जागा अर्जुन की भांति रखना, लगातार भीतर के साहसी हिम्मती होकर की रहना, केवल न्यूट्रल होए रहना, निष्पक्ष होए रहना, तुम हटे रहना, करना कुछ नहीं। बाहर के महाभारत में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, भीतर कुछ करना ही नहीं, केवल तुम बचाव रखना। तुम अपनी सुरती में, तेरी सुरती की अग्नि के सामने माइंड
तनिक मात्र नहीं ठहर पाएगा, तेरी सुरती के अगन से भाग खड़ा होगा और अपने आप शांत होता चला जाएगा। तुम जागो, निरंतर देखते रहना। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के देखना, लगातार भीतर की ओर जागे जागे रहना। पुनः पुनः लौटिए अपने मिडल पॉइंट पर, अपनी थर्ड आई में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में। कितना भी मन के जंगल में खो जाना, लॉस्ट हो जाना, आपको स्वयं अनुभव होगा अपनी एकमात्र बिखराव, भटकाव, आइडेंटिफिकेशन का स्वयं अनुभव लेना। तनिक मात्र भी थकना नहीं, माइंड बहुत बोरिंग स्टेट पैदा करेगा, बहुत बोर करेगा, बहुत बोर होगा, बोरिंग स्टेट बार बार खड़ी करेगा, मोनोटोनस होता चला जाएगा, परंतु तुम उसकी तमाम प्रकार की बहानेबाजियों के प्रति सावधान रहना। उसके साथ जुड़ते ही तुम भी बहुत बोर हो जाओगे अपने इस प्रोसेस से। ये प्रोसेस तुम्हारा नेचुरल प्रोसेस है। मन के साथ कम से कम जाना, कम से कम लगना, कम से कम लॉस्ट होना, कम से कम उसके साथ जुड़ना, मन को संग नेगेटिव, जो जो पॉजिटिव है वो बियॉन्ड माइंड से आता है, माइंड से कभी पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है। कितना भी लॉस्ट हो जाना माइंड में, निराश नहीं होना, ये तेरी आदतों के कारण हो रहा है, तूने खुद भरा है इस माइंड को, इतना भरा कूड़ा कचरा से, इतना भरा कि ये स्वयं कौआ हो गया, अब ये तुझे चोंच मारता ही रहता है। आप इसकी तमाम डुअलिटीज, दुलत्तियों के प्रति जागे रहना, द्वंद्व, द्वैत, डुअलिटीज माइंड की देखते रहना, कितना रंग बदलता है, कितना ढंग बदलता है, इंसान इसको देखने से ही हट जाता है। ये निराशा, ये एकदम भगौड़ापन है। तैनात रहना अपने ही माइंड के प्रति, जो झूठा झूठा मालिक बन के बैठा है और मेरी मालकियत को मिसयूज कर रहा है। बहुत भरा तूने माइंड को बाहर से, अब खाली करने का अवसर मिला है तो जी भर करके इसको खाली होने देना, इसे उठने देना, डस्ट जितना भी उठे समझ लेना विदा होगा, तुम हटते चले जाना, तुम न्यूट्रल रहना, निष्पक्ष रहना, तुम निरपेक्ष रहना, तुम नॉन डूइंग में रहना। केवल सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, मैं जागा जागा स्वयं देख रहा हूं, यही एकमात्र सुरती निरंतर बनी रहे। ओ ओंकार, आमीन, आमेन। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली, जीवन यात्रा पर उतरने वाली जीवन की यात्रा पे उतरने वाली
अपनी मन का दिया तो जला ले, भीतर का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाली अपनी मन का दिया तो जला ले, अपनी मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाली अपनी मन का दिया तो जला ले। लाखों दिए हैं जलाए, दीपावली पे हर साल है जलाए, भीतर का दिया तो बुझाए, भीतर का दिया तो बुझाए। जिंदगी का सफर करने वाली अपनी मन का दिया तो जला। तूने लाखों दिए हैं जलाए, भीतर का दिया तो बुझाए, भीतर का दिया तो बुझाए। भीतर तो अमावस खड़ी है जिंदगी का, हर साल दिवाली, हर साल दीपावली तूने बाहर बाहर मनाई। तूने केवल बाहर की नजरों से मनाई, बाहर की दुनिया में मनाई, बाहर की एक बात जगत में मनाई, परंतु इस बार हम भीतर मनाएंगे। बाहर भी क्षमा जगमगाती है किंतु भीतर नहीं, प्रथम बार भीतर की क्षमा जगमगाने जा रही है। तुम पतंगे परवानों को इनवाइट कर रही है, निमंत्रण दे रही है। पतंगे परवानों के साथ साथ मक्खियां मच्छरों को भी निमंत्रण दे रही है। इस भीतर की जगमगाती दीपावली पर तुम सबको निमंत्रण दे रही है। इस बार बाहर के साथ साथ भीतर मनाई जाएगी। केवल बाहर की दुनिया में नहीं, अपने दिल में भी मनाई जाएगी। अपने अंधेरों को दूर करके भीतर भी प्रकाशमान हो जाने की प्यास तमन्ना जगाई जाएगी। ये दर्द उठाया जाएगा ताकि हर वर्ष बाहर ही बाहर दीपावली मना करके फॉर्मेलिटीज पूरी करके हल्ला गुल्ला करके शोरगुल करके पटाखे बजा करके यूं ही ना ये सौसेज पुनः अमावस के अंधेरों में चला जाए। इसकी सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को, इसकी व्याख्या को, इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना। इस दीपावली के महोत्सव पर भीतर का परम महोत्सव भी जगमगा लेना। ये दीपावली न्यारी न्यारी उतरी है। ये दीपावली वैसी नहीं है जैसी हर वर्ष आज तक मनाते रहे हो। ये दीपावली एक अलग से न्यारी न्यारी होकर के उतरी है, अवसर लेकर के भीतर का आई है। बाहर भीतर दोनों ओर जगमगाने के लिए ये पावन अवसर, ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी उतरी है। ये दीपावली अपनी यात्रा पर उतरी है। तुम दीवानों की महफिल में क्षमा की तरह जगमगाने आई है, अवसर आविष्कार का देने आई है। भीतर का ज्योत, भीतर की दीप, भीतर की ज्योत
जगमगाने के लिए आई है ये दीपावली। अब की दीपावली, अब की वेद, ये यो ही बाहर के ठाकों में ही विदा नहीं हो सकेगी, ये भीतर के ठहाके भी बजाएगी, भीतर के ठहाके भी पटाखों के रूप में बजाएगी। भीतर के ठहाके बजे आनंद के, मस्ती के, ऐसी दीपावली यूनिक एग्जाम्पल बनकर के, यूनिक फेस्टिवल बनकर के इस बार उतर रही है। दीपावली के प्रिय ऊपर तम सर्वप्रथम अपनी ओर, अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटी, अपनी तत्परता, अपनी तैयारी, अपना कदम, अपना एडवेंचर उठा लेना। दीपावली में हम प्रवेश करने से पहले भीतर का अंधेरा विदा करके, अपनी सुरती को जगमगा करके, शीघ्रति शीघ्र अपना ध्यान, अपनी सुरती, अपना दीप जला करके उतरेंगे, फिर बाहर दीप जलाना भी सार्थक हो जाएगा। वरना हर वर्ष लाखों दीप जलाते हैं, भीतर का दिया कभी भी आज तक जला नहीं। भारत भूमि की संस्कृति का दिया नहीं जल रहा, इसी कारण नहीं जल रहा कि हमने अपने भीतर का दिया बुझा रखा है, हमने उसको जगमगाने के लिए कभी होश नहीं संभाली, कभी परवाह नहीं की, कभी खबर ही नहीं ली कि भीतर अंधकार इतना गहन, इतना गहरा, क्यों, कहाँ गई मेरी आत्म ज्योत, कहाँ गई मेरी जीवन ज्योत, कहाँ गई मेरी सुरती की ज्योत, मैंने कभी खबर लिया ही नहीं। किंतु खबरदार करने आए, ऐसा करोगे तो बार बार मौत के हाथ लगोगे, बार बार दुखपूर्ण जीवन जियोगे, बार बार धोखा खाओगे, इस बार धोखा नहीं खाने देंगे, इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे, हम इस माइंड से तनिक मात्र भी धोखा नहीं खाएंगे। इस मन के अंधेरों को, मन के पर्दों को उठा करके अपनी जगमगाती आत्म ज्योत को हम अनुभव करेंगे, संभालेंगे। हम आज इस वेद तैयारी रखेंगे भीतर की दीपावली मनाने में, उतरने की तैयारी रखेंगे। हम सदा तत्पर रहेंगे अपने भीतर दीपावली, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय द्वार पर हम जगमगाती दीपावली को अवसर देंगे। हम सुरती का दीप जलाएंगे, हम सुरती जलाएंगे, हम सुरती जगाएंगे, हम सुरती का आलम जगमगा करके, भीतर का दिया जगमगा करके बाहर के दीप जलाएंगे। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज, वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू बैठा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ले, बढ़ के भीतर तू डुबकी लगा ले। अपने मन का, अपने भीतर का दिया तो जला ले,
जिंदगी का सफर करने वाले, अपनी मन का दिया तो जला ले। दीपावली मनाने वालों, ये दिवाली मनाने वाले, अपने मन का, अपने अंतश का, अपने मन का दिया तो जला ले। अवसर चूकना नहीं, का सफर, लाइफ जर्नी, इनर जर्नी, इमॉर्टल जर्नी, जिसके लिए जन्म हुआ है, उस दिशा की पहचान, उस दिशा में उतर जाने की प्यास, दर्द दीवानगी, तत्परता, तैयारी, दीपावली के पर्व पर आप अच्छी तरह से संभाल लेना, अच्छी तरह से उदयमान करना, ये क्रांति भीतर की, ये प्यास भीतर की, दीपावली दोनों ओर मनाए, थोड़ा मन के साथ लेन देन करना, थोड़ा बाहर के साथ लेन देन करना, थोड़ा भीतर की ओर जगमगाना, थोड़ा बाहर की ओर जगमगाना। बाहर की ओर जगमगाते हुए तो जन्म गुजर गया है, बहुत सारा जन्म गुजर गया है, अब थोड़ा भीतर जगा, भारत की संस्कृति में भी आत्मा की पुकार खड़ी कर, तो भीतर जगा, दूसरों की बात ना कर, अपना दिया जला, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू, अपनी निबेड़ तू। आए हो इस सानिध्य में, इस संगति में, इस महान महफिल में, प्यासे दीवानों रिंदों की महफिल में तुम आए, तुम प्रवेश कियो, तुमने खुद प्यास दीवानगी प्रभु प्रेम की ओढ़नी ओढ़ा है, तो ने स्वयं अपना दर्द अपनी दीवानगी की ओढ़नी ओढ़ा है। तो हम इस महफिल में आए मेडिटेशन की, दूसरों की बात मत करना, गैर की बात मत करना, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू, तू अपना दिया जला, अपने अंधेरे दूर कर, अपने अंधेरे, अपनी अमावस पूर्णिमा में बदल ले। ये दीपावली जैसे बाहर के अंधेरों को प्रकाश में बदल देती है, ऐसे तेरी सुक्ति की ज्योत, भीतर की ज्योत, ये भीतर की दीपावली, दिल की दीपावली, जगमगाती हुई प्यास दर्द दीवानगी की दीपावली, तेरे भीतर की अमावस को पूर्णिमा में बदल देगी। संभावना पूरी है, पूरी पूरी संभावना लेकर के तुम सब उतरे हो, पूरा पूरा एडवेंचर उठाइए और इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को हाथ से जाने ना दीजिए। ये पॉसिबिलिटी तेरे द्वार पर उतरी है दीपावली के महोत्सव पर, ये पॉसिबिलिटी भीतर जगमगाने की इस बेर तुम्हारे द्वार पर उतरी है। सब द्वारों से हट करके तुम्हारे द्वार पर उतरी है, तुम प्यासे रिंदों की महफिल में उतरी है। अवसर चूकना नहीं, शीघ्र अति शीघ्र भीतर के दिया जलाने में, अपनी जीवन ज्योत जलाने में, अपनी सुरति जलाने में तत्पर रहना। भीतर का दिया पहले जलाना, इस बार बाहर का दिया जलाने से पहले भीतर की प्यास उठाना।
जगमगाती भीतर की आत्मा रूपी क्षमा पे कुर्बान होकर के देखना। बाहर सारी दुनिया पे कुर्बान होते हो, हाथ तो कुछ लगता नहीं, खाली हाथ लौटते हो। इस बेर तुम क्षमा पर अपने हृदय की, अपनी आत्मा की, अपने जीवन की क्षमा पर कुर्बान होना, आप भीतर की ओर जगमगाना। सफर लंबा है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। सफर लंबा है, इनर जर्नी, लाइफ जर्नी, तो इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, बट इट्स वेरी रिवार्डिंग जर्नी। कोई खाली हाथ नहीं आया, सब भरपूर हाथ लौटा है बाहर, जो भीतर की जर्नी पर उतरा, जो इनर जर्नी पर उतरा। आज तक दुनिया में मिसाल है, कोई खाली हाथ नहीं लौटा, सब जो भी लौटे भरपूर हाथ लौटे, या इस जर्नी पर कुर्बान होकर के सदा सदा के लिए पतंगे परवानों की एग्जाम्पल बन गए, सदा लिविंग एंटिटी का रूप बन गए, यूनिक एग्जाम्पल बन गए, आबाद हो गए, एक दिशा दे गए पतंगे परवानों की तरह, प्यासे दीवानों को भरपूर हाथ लौटे, भरपूर हाथ गए। खाली हाथ वो नहीं लौटते जो भीतर की इस जीवन यात्रा पर भीतर की ज्योत जलाने में, आत्म ज्योत जो जगमगा रही है उसके ऊपर से माइंड के पर्दे उठाने में जो एडवेंचर उठाता है, वो एडवेंचरस इंसान दुनिया की सारी एडवर्सिटीज में भी वो जीवन को सुखद बनाता है, वो मानव जाति को सुखद बनाता है, वो एकमात्र जीने योग्य है धरती पर इंसान के रूप में, फिर भगवान के रूप में। सफर लंबा है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अज्ञात राहों का राही, तू है अनजान राहों का राही, बढ़ते रहना ही है काम तेरा, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी अपने गुरु, अपने मुर्शिद, अपने साहबा से ले ले, टॉर्च ले ले, रोशनी ले ले, उसके प्रकाश पुंज को लेकर के चल, उसके द्वारा दिया गया दिशा निर्देशन रूपी टॉर्च को लेकर के उतर, तो जगमगा जाएगा हर एक मार्ग, हर एक कदम जो भीतर की ओर तुझको अपनी मंजिल पर ले जाएगा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाली, अपने मन का दिया तो जला ली। हर बरस दीपावली मनाने वाली, हर बरस दिवाली मनाने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने भीतर भी दिवाली मना ले, दिल में कभी तो दिवाली मना ले, इस बार तो तू भीतर मना ले, इस बार तो तू मन में मना ले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले।